सुमन 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 काय करतेस तू सुमन? कैसे बाप हो तुम? ये जमीन के कागज में जहर है, जहर कीमत है ये तुम्हारे बेटी की इज्जत की। इसके बदले में वो तुम्हारी बेटी की जिंदगी से जैसे चाहे खेलेगा, कुछ समझो तुम। ये हमारे कभी किसी भी वक्त आते होंगे। मालिक ने हमें यही बोलने के लिए यहाँ पर भेजा था। क्या काम हुआ? जी मालिक, मैंने अमूली से कह दिया है कि आप आ रहे हैं और आपका इंतजार करें। वाह, राधे की तरफ से पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। एक तरह से सुहागरात मेरी भी तो है। मेरा मतलब है ये सुहागरात सही तरीके से मनाई जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरी वजह से दोनों एक हुए हैं ना। थैंक्स राजू, थैंक्स अ लॉट एंड एंजॉय योर सुहागरात। आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ मोली। जिस पल को महसूस करने के लिए मैं तड़प रहा हूं, आज वहीं पर इन फूलों की लड़ियों में लिपटा हूं, मेरा इंतजार कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना मोली, किसी चीज को पाने के लिए हम उतावले हो जाते हैं, चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस चीज को अपना बना लें, लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे हाथों में आ जाती है हमें इंतजार अच्छा लगने लगता है। इस डर से कि कहीं जल्दी जल्दी में वो चीज अपनी बनकर खत्म ना हो जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है मोली, मैं भी नहीं चाहता कि ये पल और आज की ये रात कभी खत्म हो। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन तुम्हारा डर और मेरा डर बहुत अलग है। तुम्हें डर है कुछ खोने का और मैं डर रहा हूं कि कहीं मेरी खुशी को मेरी नजर ना लग जाए। आखिर मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी चाहत जो पूरी होने जा रही है आज, बस और कुछ पलों का फासला, उसके बाद ना मैं रहूंगा, ना तुम रहोगी और ना ये डर रहेगा। रहेंगे तो बस मेरे कुछ सपने जो आज सच्चाई की जमीन पर आ उतरे। तुम भागते भागते थक गई होगी ना मोली, लेकिन तुम मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रही हो, देखो मैं तुम्हारे उतना ही करीब आ चुका हूं। मैं अपनी किस्मत में तुम्हारा नाम लिखवा कर आया हूं अमोली। ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई लेकिन तुम समझी, हमेशा मुझसे लड़ती रही, झगड़ती रही। क्या हासिल हुआ अमोली? किस्मत और इंसान की लड़ाई में जीत हमेशा किस्मत की होती है,
आज भी हुई है। आज मेरी किस्मत तुम्हारी इज्जत से जीत चुकी है। बोले ये खेल, ये छल कपट, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें यहां धोखे से लाते वक्त भी तकलीफ हुई थी मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ करने का स्वभाव नहीं है। मैं जो चाहता हूं आमने सामने मांग कर लेता हूं। तुमसे भी तो मांगा था मैं, तुम्ही को, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, याद है ना? मैं भी कहां तुम्हें निराश करना चाहता हूं मोली। जिंदगी एक सौदा है मोली, पाने का हक उसी को जो देने के लिए तैयार। और फिर मैं तो तुमसे रुपए के बदले चवन्नी की उम्मीद कर रहा हूं। कुछ पलों का समझौता और उसके बाद जिंदगी भर की आजादी, खुशी। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, माना कि हमारी जमीन हमारे लिए सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाऊंगी। अमोली, जब भी कोई बड़ा आदमी कुछ कहता है वो अपने तजुर्बे की बिना पर कहता है, और मेरा तजुर्बा मुझसे यही कह रहा था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम्हारी हर नाकामयाब कोशिश के बाद मैं तुमसे यही कह रहा हूं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यहां तक कि तुम मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह तुम मेरी किस्मत से जीत नहीं सकी, मैं भी तुम्हारी किस्मत से जीत नहीं पाया। तुम्हारी किस्मत में मेरी रखैल बनना, और देखो वही हुआ। तुमने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का तमाशा बना लिया है मोली। तुमने एक ऐसे लड़के से शादी की है जिसका अपना कोई वजूद, कोई पहचान नहीं, जो सिर्फ मेरे इशारे समझता है, उसकी रगों में मेरा नमक खून बन के दौड़ता है। मेरे एहसानों ने उसकी मर्दानगी को पैरों तले कुचल कर रख दिया है। बस मेरी आंख उठाने की देरी और वो मर्द से औरत बन जाता है। तुमने देखा ना किस तरह नाच रहा था। ऐसे मर्द के साथ कैसे निभेगी तुम्हारी अमोली? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे पति की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। वाह सुंदर, कितनी सुंदर खुशबू है इन फूलों की, पूरा कमरा महक रहा है। जानती हो मोरी, ये खुशबू मुझे तुम्हारे और